विपक्ष तेजस्वी यादव ने मधेपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कोसी दियारा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका देखकर दंग रह गए तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि लाशों पर मुख्यमंत्री करते हैं राजनीति, पहले सरकार बाढ़ और कोरोना से निपटे, फिर करे चुनाव की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झंझारपुर पहुंचने पर राजद कार्यकर्ताओं ने किया भव्य अभिवादन। दरभंगा सड़क मार्ग से होते हुए मधेपुर जाने के क्रम में मोहना के निकट NH-57 पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की अगवानी। राज्यव्यापी लॉकडाउन को लेकर सख्त हुआ अजय नगर प्रशासन। लॉकडाउन में दुकान खोलने पर 2 दुकान को किया गया सील, साथ ही शहर में वाहन चेकिंग अभियान चलाकर 75,000 रुपए का वसूला जुर्माना। बीते मंगलवार की देर शाम कलवाही थाना क्षेत्र के नाजिदपुर के निकट कार से सड़क हादसे में हुई 2 व्यक्ति की मौत, जिसमें झंझारपुर इलाहाबाद बैंक के मैनेजर जयनगर राजपुतानी टोल निवासी प्रज्वलित सिंह और मधुबनी में कोचिंग संचालक प्रदीप कुमार सिंह थे शामिल। झंझारपुर इलाहाबाद बैंक से घर लौटते समय हुआ हादसा। दोनों मृतक के शव जयनगर पहुँचते ही मचा हुआ। गुवाहाटी में वीडियो सम्राट जीत के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क लगाए सड़क पर घूम रहे दर्जन भर से अधिकांश लोगों को काटा गया चला। बाबूबली में एक पिता ने अपने सराई पुत्र को भिजवाया जेल। थाना क्षेत्र के तेगड़ा गांव की रघुनाथ प्रसाद सिंह अपने ही पुत्र अरविंद कुमार सिंह को शराब पीकर उत्पात मचा पुलिस को सूचना देकर किया पुलिस के हवाले। मधुवापुर में लॉकडाउन और मास्क पहनने को लेकर अधिकारियों ने चलाया विशेष अभियान। BDO, CEO, सर्किल इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष द्वारा 43 दुकानदारों और राहगीरों का काटा गया चला। मधुवापुर में अधिकारियों ने NH-104 के लिए मुखिया पट्टी में अधिग्रहित भूमि का किया भौतिक सत्यापन। भूस्वामियों ने शीर्ष अधिकारियों के साथ की आवासीय भूमि के बदले कृषि योग्य भूमि का मुआवजा देने की शिकायत। नर्सिंग होम में गलत उपचार के शिकार हुए पीड़ित को इलाज का पैसा वापस मांगना पड़ गया महंगा। 12 जून को गलत सिजेरियन प्रसव की शिकार गिदरगंज की अर्मिना खातून का बाद में 22 दिन दरभंगा में चला उपचार। गलत उपचार का पैसा वापस मांगने पर परिजनों के साथ मारपीट कर किया पुलिस के हवाले। परिवारों को दी गई सहायता। पिछले दिनों गांव के अब्दुल तारीफ हुए थे अप्रिय घटना के शिकार। अब्दुल तारीफ के गरीब परिवार को कराया 6,000 रुपए का आर्थिक मदद। पंडोल थाना क्षेत्र के सरसा पाही गांव में तालाब में डूबने से मुन्नी देवी नाम की एक महिला की हुई मौत। सूचना मिलने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुधा देवी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता सूर्यदीप प्रसाद गुप्ता और मुखिया राम बहादुर चौधरी ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना। लखनऊ प्रखंड के चर्चित गांव गंगापुर की सभी सड़कों पर लगा है भीषण जल जमाव। स्थानीय विधायक गुलाम यादव के गांव में जल निकासी की व्यवस्था से लोग हैं परेशान। मिथिलांचल के विकास एवं कमला कोसी प्रलय क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक अधिकार को लेकर कमला कोसी विकास मोर्चा का हुआ गठन। कमला कोसी क्षेत्र की समस्या को लेकर विधानसभा चुनाव में दस्तक देने की हो रही तैयारी। बाबूबली में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। CEO सतीश कुमार, BDO प्रकाश कुमार और थाना अध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा 2 दुकानों को किया गया सील। बाबूबली में शादी के नियम से अगवा लड़की, आरोपी लड़की के घर से हुई बरामद। कोटौना थाना क्षेत्र के बघा कुसुमार गांव के मोहम्मद डोमी के पुत्र मोहम्मद इसाद द्वारा शादी के नियम से लड़की का किया गया था अपहरण। 5 घंटे के दौरान में पुलिस ने आरोपी के घर से लड़की को कर लिया बरामद। बेनीपट्टी के बनखट्टा में संचालित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 3 कोरोना संक्रमित मिलने से कर्मियों और बैंक खाता धारकों में मचा हड़कंप। शाखा को अगले 48 घंटे के लिए किया गया सील। बैंक के सभी कर्मियों को कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। बेनीपट्टी में धौंस, खिरोई, कोकरा नदी का जल स्तर स्थिर है। थुमानी और बचराजा नदी के जल स्तर में वृद्धि से बखार में फैला बाढ़ का पानी। गांधी चौक और जगत गांव होते हुए उच्चैठ जाने वाली बाईपास सड़क पर भी पानी चढ़ने के कारण कभी भी इस पथ पर परिचालन हो सकता है बंद। बेनीपट्टी में नहीं हो रहा लॉकडाउन का अनुपालन। प्रशासनिक व्यवस्था से लापरवाही चरम पर। आम लोग सरेआम सामान्य दिनों की तरह घूम रहे हैं सड़कों पर। खुली रहती है अधिकांश दुकानें। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में DSP अरुण कुमार सिंह ने सभी थाना अध्यक्ष और OP प्रभारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा के बाद अनुसंधान में तेजी लाने का दिया निर्देश। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को दी सख्त हिदायत। भेजा थाना के बल्थी गांव में नाव ऊपर बिजली तार गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। नाव से नीचे गिरकर लाश बह गया पानी में। लाश की तलाश जारी। भेजा थाना अध्यक्ष अजेश कुमार ने की पुष्टि। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।